लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए क्रिकेट फोरिशिया को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फोरिशिया। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 2018 के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की टीम स्क्वाड के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, डेट टाइम वेन्यू, हर चीज़ बता दूंगा इस वीडियो में। यानी पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, तो दोस्तों ये पहला सीज़न होगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का जिसमें दोस्तों 5 टीम शामिल है। यकीनन बहुत बड़े प्लेयर इन टीमों में शामिल है, यानी 47 फॉरेन प्लेयर इस टूर्नामेंट में शामिल है और बाकी अफगान प्लेयर इन टूर्नामेंट में शामिल है। दोस्तों इनमें दुनिया भर के टॉप प्लेयर शामिल है, यानी वर्ल्ड क्लास प्लेयर इसमें शामिल है। तो दोस्तों अगर टीम्स के बारे में बात करें तो इसमें 5 टीम है। नंबर 1 पर होगी काबुल, दूसरी नंबर पर दोस्तों निंगरार, तीसरे नंबर पर कंदहार और चौथे नंबर पर पक्तिया और पांचवें नंबर पर बल्ख। तो दोस्तों अगर बात करें बल्ख की टीम में, तो बल्ख की टीम में ज़बरदस्त प्लेयर शामिल है। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज़ के ख़तरनाक बल्लेबाज है। इस तरह दोस्तों कॉलिन मनरो, जो न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। मोहम्मद नबी, जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन है। रवि बुपारा, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बैट्समैन है। आफ्ताब आलम, जो अफगानिस्तान के मीडियम फास्ट बॉलर है। गुलबुद्दीन नायब, जो अफगानिस्तान के बॉलर और बैट्समैन है। मोहम्मद इरफान, जो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है। बेन लाफिन, जो ऑस्ट्रेलिया के मीडियम फास्ट बॉलर है। कामरान अकमल, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है। कैसे अहमद, जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है अंडर 19 में। उस्मान गनी, जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है। इकराम अली हिल, जो अफगानिस्तान अंडर 19 के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। रेंट टेंडर्स कॉची, दोस्तों ये नीदरलैंड से एक अच्छे बल्लेबाज है। तारिक स्तानिकज़ई, जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, यानी अंडर 19 में है। असदुल्ला मतानी, दोस्तों ये इमर्जेंट प्लेयर है। दरवेश रसूली, दोस्तों ये अफगानिस्तान के एक पावरफुल हिटर है, अफगानिस्तान के अंडर 19 में है। फरहान जाखिल, जो इमर्जेंट प्लेयर है। इस तरह समीउल्ला सलारज़ई इमर्जेंट प्लेयर है। दोस्तों मोहम्मद नवाज़, जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर है। दोस्तों ये थी बल्ख की टीम, यकीनन एक अच्छी टीम है बल्ख की टीम, ज़बरदस्त प्लेयर इसमें शामिल है। सारी टीमें एक बहुत ज़बरदस्त टीम है। दोस्तों आप बात करेंगे कंदहार की टीम, दोस्तों कंदहार की टीम भी ज़बरदस्त टीम है, यानी सारी टीमें इक्वल है। अगर स्टार्ट करें कंदहार में, तो दोस्तों ब्रेंडर मैकलम, जो न्यूजीलैंड के ख़तरनाक हिटर है। वहाब रियाज, जो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडर बॉलर है। असगर अफगान, जो अफगानिस्तान टीम के कैप्टन है। पॉल स्ट्रेलिंग, दोस्तों ये आयरलैंड के ख़तरनाक बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन है। नजीबुल जादरान, जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर एक पावरफुल हिटर है। करीम जन्नत, जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन है। तैमन में, दोस्तों ये इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडर बॉलर है। सैम बेलेंस, दोस्तों ये भी ज़बरदस्त प्लेयर है। इफ्तिहार अहमद, जो पाकिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है। हमजा होतक, जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर है। करीम सादिक, जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है। सैयद शेरजाद, दोस्तों ये अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर है। मोहम्मद नवीद, दोस्तों ये यूएई के फास्ट बॉलर है लेफ्ट हैंडर। वकार सलाम खेल, दोस्तों इमर्जेंट प्लेयर है। अब्दुल बाकी, ये भी इमर्जेंट है। वकारुल्ला इश्तियाक, ये दोस्तों ये भी इमर्जन है। वाहिदुल्ला शफक, दोस्तों ये भी इमर्जन है। नासिर जमाल, जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है। दोस्तों ये थी कंदहार के फुल एंड फाइनल स्क्वाड, यकीनन कंदहार की टीम भी ज़बरदस्त टीम है। दोस्तों अब बात करेंगे पक्तिया की टीम, दोस्तों पक्तिया भी एक अच्छी टीम है। यानी अगर स्टार्ट करें शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन थे। तिसारा परेरा, जो श्रीलंका के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। मोहम्मद शेदा, जो अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है। कैमरन डेलपोर्ट, दो साउथ अफ्रीका के पुराने बैट्समैन थे। शरफुद्दीन अशरफ, दोस्तों ये अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर है। समीउल्ला शिनवारे, जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर लेग स्पिनर है। क्रिस जॉर्डन, जो इंग्लैंड के एक खतरनाक गेंदबाज है। फहीम अशरफ, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन है। लुक राइट, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बैट्समैन है। अजमतुल्ला उमर जैद, दोस्तों ये अंडर 19 में है ऑलराउंडर बैट्समैन है अफगानिस्तान के। रहमानुल्ला गुरबस, जो अफगानिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन है, यानी अफगानिस्तान अंडर 19। जियाउर रहमान अकबर, दोस्तों ये भी अफगानिस्तान टीम के बैट्समैन है। कोलिन मैकलूडू, दोस्तों ये ICC-associated टीम्स में है। ताहिर आदिल, दोस्तों ये इमर्जेंट प्लेयर है। यूसुफ जई, ये भी इमर्जेंट है। एहसानुल्ला जाना, जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर ओपनर बैट्समैन है। जियाउर रहमान, दोस्तों ये भी इमर्जेंट है। फजल जाजई, दोस्तों ये भी इमर्जेंट है। दोस्तों ये थी पक्तिया की टीम अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में। यकीनन पक्तिया भी अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है, ज़बरदस्त प्लेयर इनमें शामिल है। दोस्तों सारी टीमें एक जैसी यानी इक्वल है। बात करें निंगरहार, तो दोस्तों निंगरहार की टीम भी एक ख़तरनाक टीम है, यानी बहुत अच्छे प्लेयर इन टीम में भी शामिल है। अगर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे
एंड्री रसल जो टंडिस के ख़तरनाक पावरफुल हिटर है, तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के लेफ्ट हैंडर ओपनर बैट्समैन है, मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान के ऑफ्सपिनर है, बेन कटिंग जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बैट्समैन है, ज़बरदस्त खिलाड़ी ये भी है, रफीकुल्ला शफक जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन, नजीब तरक है दोस्तों ये भी अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है, क्लेनगन दोस्तों ये न्यूजीलैंड के राउंडर है, मुशफिकुर रहीम जो बांग्लादेश टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन है, रहमत शाह जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है, नवीन उल हक जो अफगानिस्तान के अंडर 19 टीम के कैप्टन है, जाहिर खान दोस्तों ये अफगानिस्तान के लेग स्पिनर चाइनामैन है, संदीप लमिचानी दोस्तों ये नेपाल से है, अच्छे गेंदबाज है यानी ज़बरदस्त स्पिनर है, फजल हक दोस्तों ये इमरजन है, इमरान जन्नत इमरजन है, खैबर उमर इमरजन है, नसरत कुरैशी इमरजन है, फजल नियाज़ तो ये अफगानिस्तान टीम में है, इब्राहिम जदरान दोस्तों ये भी अफगानिस्तान का प्लेयर है। यकीनन दोस्तों नंगरहार की टीम को देखा जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा हिटर मौजूद है, जैसे बेन कटिंग, शफीकुल्ला शफक, एंड्री रसल एक पावरफुल हिटर है दोस्तों, ये सारे पावरफुल हिटर है और यकीनन नंगरहार की टीम भी ज़बरदस्त टीम है। तो दोस्तों अगर बात करें काबुल की टीम तो काबुल की टीम में राशिद खान है, इस तरह दोस्तों लोकरॉन्च जो न्यूजीलैंड के राइट हैंडर बैट्समैन है, हज़रतुल्लाह दाजा जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है एक पावरफुल हिटर है, कॉलिन इंग्रम दोस्तों ये भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, बिग बैश में भी थे, फरीद मलिक जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है, जावेद अहमद जी जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है, सोहेल तनवीर जो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडर बॉलर है, लियोन इवेंट्स जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक में है यानी काउंटी में है, ज़बरदस्त प्लेयर है, वेन पार्नल जो साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर हैं, शाहिद मंडोज़ दोस्तों ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, मुस्लिम मूसा ये भी अफगानिस्तान के, अफजर ज़ादे जो अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है, मोहम्मद एहसान अली खान दोस्तों ये पाकिस्तान के बैट्समैन है, फिर शेरजाद इमरजन प्लेयर है, फितरतुल्ला ख्वारे इमरजन प्लेयर है, शौकत जमान इमरजन प्लेयर है, उस्मान आदिल इमरजन प्लेयर है, जमीर खान इमरजन प्लेयर है, नासिर टुटाखिल ये भी इमरजन प्लेयर है। दोस्तों अगर काबुल की टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों इनमें भी बहुत अच्छे और बहुत टॉप प्लेयर इन टीम में भी शामिल है, सारी टीमें एक जैसी यानी सारी टीमों में एक एक अच्छे खिलाड़ी शामिल है, एक से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी शामिल, हिटर भी है, बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी है, हर चीज़ सारी टीम में मौजूद है। दोस्तों अफगानिस्तान के सारे मैचेस यूएई में खेले जाएंगे, में 5 टीम्स होंगे। दोस्तों अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 5 अक्टूबर से शुरू होगा 21 अक्टूबर तक, यकीनन एक बहुत बड़ा लीग है ये, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का पहला सीज़न है जिसमें 400 प्लेयर्स शामिल थे अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में। दोस्तों 47 फॉरेन प्लेयर्स सोल्ड हो गए, कुछ प्लेयर अनसोल्ड भी हो गए, यानी एक बहुत अच्छे प्लेयर अनसोल्ड भी हो गए इन लीग में, ये अफगानिस्तान का पहला सीज़न है, जबरदस्त लीग है दोस्तों। अगर दोस्तों मोस्ट शॉकिंग अनसोल्ड के बारे में देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के शोएब मलिक जो पाकिस्तान के राइट हैंडर बैट्समैन है, स्पिनर भी है, एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ये अनसोल्ड हो गए जो आइकन कैटेगरी में शामिल थे। इस तरह दोस्तों शपूर जदरान जो अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर अनसोल्ड हो गए, दौलत जदरान, वफादार, मोहम्मद, हामिद हसन ये तीनों भी अनसोल्ड हो गए दोस्तों, इसकी वजह इंजरी थी। मर्विस अशरफ जो अफगानिस्तान के राइट हैंडर ऑलराउंडर बैट्समैन है, ये भी दोस्तों अनसोल्ड हो गए। यमीन अहमदज़ई दोस्तों एक बहुत शॉकिंग है, यमीन अहमदज़ई एक बहुत अच्छे गेंदबाज थे, यानी इंडिया और अफगानिस्तान की टीम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यमीन अहमदज़ई ने पेश किए थे और अफगानिस्तान की टीम में मेन बॉलर हो गए एशिया कप 2018 में। दोस्तों ये भी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 2018 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड हो गए। दोस्तों अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में पहले प्लेयर राशिद खान सोल्ड हो गए जिसकी कीमत थी $100,000, यकीनन एक बेहतरीन प्लेयर है, लेग स्पिनर है, अफगानिस्तान के मोस्ट पॉपुलर प्लेयर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर भी है राशिद खान। और अफगानिस्तान के आखिरी प्लेयर उस्मान आदिल थे जो सोल्ड हो गए अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 2018 के ड्राफ्ट में। तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के सारी टीमों की फुल एंड फाइनल स्क्वाड थी। दोस्तों आपको कौन सी टीम अच्छी लगी, यानी एक पावरफुल टीम आपको कौन सी लगी और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप अपना राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए पहुँचा दें। खुदा हाफिज़।